हाईकोर्ट से फैसला आ गया, सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया। विक्टिम की फैमिली जो इस दंगे में मारे गए थे, उनका परिवार है हमारे साथ मौजूद है। पांचवें नंबर गेट में आ जाओ। अच्छा, नहीं किस आपके ही फैमिली के लोग मारे गए? हाँ, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, तीन भाई मेरे, मामा जी के लड़के, पांच आदमी मेरे घर में और कंट में, वो भी कंट में। अब जब फैसला आ गया है, पहले तो निचली अदालत से बरी कर दिया गया था, अब जब फैसला आ गया है तो इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? ना जो जख्म 35 साल इतने गहरे हो गए थे कि मैं तो कहती थी मैं किसको वतन कहूँ, कौन सा हमारा वतन है, ना तो हमारा कानून है, ना तो आर्मी वाला, क्योंकि पति तो आर्मी में था, पिताजी मेरे फ्रीडम फाइटर थे, क्योंकि मैं सिखाते का जन्म लिया, सदा मौत मिली, है ना। तो फिर क्या फैसला आया, तो ये फैसले को आप कैसे देखती हैं? सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया, उम्र के बस थोड़ा सा सुकून मिला पर पूरा नहीं, क्योंकि इनका दोष बहुत बड़ा है, इनको सजाए मौत होनी चाहिए, वो भी जैसे इन्होंने जला जला के मारा है, इनको चिराए पे आग लगानी चाहिए। क्यों आपके पति बेटे कौन कौन मारे? तीन भाई, मेरा पति, बेटा, मेरे मामा जी के लड़के थे, घर का घर सारे जला दिए, इनका भी हमारा भी। तो आप सजाए मौत की मांग? हाँ, मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे दोषियों को चिराए पे ला के आग लगानी चाहिए, क्योंकि सारा संसार देखे कि फिर कभी ऐसी घनौनी घट गिनतियां ऐसा साड़ साड़ के नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सानू भी सजाए मौत मिल सकती है। बिल्कुल, ये जो दंगे में इनके परिवार लोग मौत जिनकी मौत हुई थी, जगदीश कौर थी, आपका कौन मारा गया? मेरे तीन भाई थे बड़े, नरेंद्र पाल सिंह, रघुवेंद्र सिंह और कुलदीप सिंह। अच्छा, तो एक तरीक को तो इनके मारा है, मेरे कजन और मेरे भाइयों को मारा है 2 तारीख सुबह 6:30 बजे। अब जब ये फैसला आया है, इस फैसले के को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको कुछ राहत महसूस हुई? कुछ राहत महसूस हुई है, मगर जो इन्होंने अपराध किया है उसके मुताबिक नहीं है, इसको फांसी होनी चाहिए थी, इतने आदमियों को मरवाया है, 34 साल लगे हैं तो फिर इसको उम्र कैद हुई है। 34 साल लगे हैं उसके बाद उम्र कैद हुई है। जो ये परिवार है, ये परिवार, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, तो ये परिवार जो है अब सजाए मौत की मांग कर रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने 34 साल बाद अपना फैसला सुनाया। जिस तरह से निचली अदालत से सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया था, उसके बाद इस फैसले से कुछ राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा परिवार सजाए मौत की मांग कर रहा है।